नवीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लगातार कई ऐसे फैसले लेती हुई नजर आई जो राजस्थान में ही फंस गई, लेकिन हाल ही में एक ऐसा बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और यह कहा जाए राजस्थान के नए नवेले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से उठाया जा रहा है, जिसको लेकर सियासी हलचलें काफ़ी तेज होती हुई नजर आ रही है। दरअसल CM भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की है। ये मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं कि हाल ही में श्री करणपुर सीट हारने के बाद उनके प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया जाएगा और इसी के बीच में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और कई और विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने की बात कही जा रही है। तमाम मुद्दे यहाँ पर नजर आते हैं जिसके तहत मुलाकात के बाद ये चर्चाएं उठ रही हैं। मुलाकातों के तहत यहां पर जो मुद्दों के जरिए सवाल उठ रहे हैं, क्या यहां पर भजनलाल शर्मा कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? ये पहली मुलाकात नहीं है, इससे पहले भी जब यहां पर कैबिनेट का विस्तार करना था तो राज्यपाल से मुलाकात करते हुए यहां पर भजनलाल शर्मा नजर आए थे। एक बार फिर से मुलाकात हुई और मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे खेमे को खुश किया जा सकता है, वसुंधरा राजे के विधायकों को मंत्रालय में जगह दी जा सकती है और वसुंधरा राजे की माने तो लगातार वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई भी बातों का जिक्र करती हुई नजर नहीं आ रही हैं, किसी भी बात का पलटवार करती हुई नजर नहीं आ रही हैं और इसी बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की चुप्पी को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नकारती हुई नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान में रहते हुए CM भजनलाल शर्मा उनसे किनारा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये फैसला यहाँ पर लिया जा सकता है राज्यपाल से मुलाकात के बाद कि वसुंधरा राजे के विधायकों को जगह दी जाए। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें ऐसी और भी तमाम खबरें। धन्यवाद।